उत्तराखंड के औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई, लेकिन इस शाही शादी के बाद फैली गंदगी से शादी से ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी चमोली और सरकार को 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों लोगों को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। न्यायालय के समक्ष में जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्य जो मेंबर सेक्रेटरी थे उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया। और एडमिटेडली कुछ चीज़ें बड़ी विचित्र है कि डीएम और दोनों की रिपोर्ट में विरोधाभास है। प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, मानव मल जो है वहाँ फैल रहा है और इसके अलावा पर्यावरण का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन डाली गई थी कि इसमें जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी, निम जिसने केदारनाथ की आपदा में काम किया था, दूसरा जीवी पंत हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है विवेकानंद इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन लोगों को पार्टी बनाया जाए ताकि वास्तविक जो वहाँ डैमेजेज हुआ है और वास्तविक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी वो आ सके सामने। तो न्यायालय ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते इनको पक्षकार बनाते हुए 2 हफ्ते के अंदर इनसे जवाब देने के लिए कहा है। इसी बीच में राज्य सरकार डीएम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि जो विरोधाभासी है, 10 दिन के अंदर अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। धौली गंगा में जो वो मानव वेस्ट गया है उससे नदी पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसके संबंध में यहाँ पर 200 करोड़ की इस शाही शादी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें शादी के बाद होने वाले प्रदूषण का जिक्र किया गया था। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद हुई गंदगी से धौली गंगा सीध प्रभावित हुई है। प्रदूषण बोर्ड को कोर्ट को ये बताना होगा कि करीब 300 टन कूड़े का निस्तारण कैसे किया गया, साथ ही इसका जवाब देना होगा कि धौली गंगा सहित उसके आसपास के जल स्रोतों को कितना नुकसान इस शादी से हुआ। नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।